दोस्तों, जैसे आप गूगल पे एंड फोन पे को यूज़ करके अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, वैसे ही अब आप व्हाट्सएप का यूज़ करके अपनी पेमेंट्स कर पाएंगे, अपने दोस्तों को पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पे एक नया फीचर आया है व्हाट्सएप पेमेंट्स का, आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिएगा, एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप व्हाट्सएप पेमेंट को सेटअप कर सकते हैं एंड पैसे रिसीव एंड सेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों को व्हाट्सएप की मदद से। क्योंकि गूगल पे एंड फोन पे हो सकता है कि आपके दोस्तों के पास ना हो, बट व्हाट्सएप तो आजकल हर कोई यूज कर रहा है। तो व्हाट्सएप पे अगर आप पेमेंट कर पाएंगे तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप व्हाट्सएप पे पेमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो पेमेंट का फीचर आया है वो UPI बेस्ड है, तो आपको बेसिकली UPI को सेटअप करना है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप पेमेंट फीचर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपका जो व्हाट्सएप है वो अपडेटेड होना चाहिए। अगर अपडेटेड नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर उसे अपडेट कर लें। उसके बाद आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। वहां पे 3 डॉट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपको पेमेंट्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आपका जो पेमेंट फीचर है वो इनेबल हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब आपको क्या करना है, पेमेंट्स पे क्लिक करना है। जब आप पेमेंट्स पे क्लिक कर देंगे तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखेगी, वहां पे आपको ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे बैंक की लिस्ट दिख जाएगी, तो आपको वो बैंक सेलेक्ट करना है जिसमें आपका अकाउंट है। जब आप उस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक SMS रिसीव होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, एंड उसके बाद उस नंबर से जितने भी आपके बैंक अकाउंट लिंक्ड हैं उसकी लिस्ट दिख जाएगी। आपको किसी एक बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है, एंड जब आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको UPI का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको 6 डिजिट का पिन डालना है। जब आप 6 डिजिट का पिन डाल देंगे तो आपका जो UPI सेटअप है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका जो व्हाट्सएप पेमेंट फीचर है वो इनेबल हो जाएगा, एंड उसके बाद आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर एंड रिसीव कर सकते हैं। एंड एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम UPI क्रिएट कर रहे हैं, UPI पे आपका अकाउंट नहीं है पहले से, तो हो सकता है कि आपको डेबिट कार्ड नंबर डालना हो। आपको जब पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका एक UPI ID जनरेट होगा, एंड आपको एक UPI पिन जनरेट करना पड़ेगा जिसको आप यूज करेंगे जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे। उसके बाद आपका जो व्हाट्सएप पेमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कैसे आप व्हाट्सएप की मदद से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। तो आपको क्या करना है कि आपको किसी भी चैट को सेलेक्ट करना है। आप जब किसी चैट पर जाएंगे तो वहां पर आपको अटैचमेंट का ऑप्शन नीचे दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहां पे पेमेंट्स का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सेंड एंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, एंड अगर आपको सेंड एंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जिसको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं या तो उनका पेमेंट फीचर इनेबल नहीं हुआ है, या अगर पेमेंट फीचर इनेबल हो गया तो उन्होंने UPI अपना सेटअप नहीं किया है, इसलिए आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी जहां पे नोटिफाई का बटन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने दोस्त को नोटिफाई कर सकते हैं कि आप उन्हें पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। एंड वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, आपसे कहा था कि आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपना जो पेमेंट फीचर है उसे इनेबल कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है ये यही है कि आपका अगर कोई फ्रेंड है जिनके में पेमेंट फीचर इनेबल हो गया है तो आप उनसे ये कहें कि आपको एक नोटिफिकेशन भेज दें नोटिफाई पे क्लिक करके। उसके बाद आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट अपनी सेटअप कर पाएंगे, एंड आपका जो पेमेंट फीचर है आप उसे ऐसे इनेबल कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप पेमेंट में आप मल्टीपल अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं, एंड इसके साथ साथ आप QR कोड की मदद से भी आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस इतना ही था इस वीडियो में, एंड आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी व्हाट्सएप पेमेंट से रिलेटेड। तो आप इसे यूज़ करें, एंड कमेंट में मुझे बताया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड अगर आप नए इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी और भी वीडियोज़ हैं उन्हें जाके चेकआउट करें, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी पता चले कि व्हाट्सएप पेमेंट फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।